टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती जूनियर असिस्टेंट की कि आखिरकार कितने पीईटी अंक वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा और इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यूपी ट्रिपल एससी की एक वैकेंसी की आवेदन 12 सितंबर से चल रहे हैं इस समय और ये कल एक नोटिस जारी हुई थी जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि अब 3800 पदों पर नहीं बल्कि 5512 पदों पर भर्ती होगी, यानी पदों की संख्या बढ़ गई है, लगभग 1681 पद और बढ़ गए हैं। अच्छी बात है कि अलग अलग हजार 5500 पदों की जगह इकट्ठा 5512 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया जिससे जिन विद्यार्थियों की पीईटी में नंबर कम है विद्यार्थियों को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। और कल की वीडियो, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद विद्यार्थियों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर अब इसकी जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, हमारे इतने नंबर हैं, हम तैयारी करें या ना करें, हम आवेदन करें या ना करें। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हमको चर्चा करना है। बेरोजगारी की इस दौर पर निश्चित तौर पर यह एक विद्यार्थियों के लिए बड़ा मौका है जिसमें जो फाइनल कट ऑफ भी कम हो सकती है और जो पीटी कट ऑफ है वो भी कम हो सकती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले कुछ दिनों से कुछ सुधार किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं क्योंकि विद्यार्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि पीईटी में एक कॉमन कट ऑफ लगाई जाए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, चाहे ये बात हो या कोई और बात हो। यूपी ट्रिपल एससी कहता तो जरूर है नोटिफिकेशन में कि हम 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी कभी 28 गुना, कभी 30 गुना, कभी 33 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा जो परीक्षा 27 अगस्त को हुई थी जूनियर असिस्टेंट की 1262 पदों के लिए, तो यहां पर पद तो 1262 थे लेकिन विद्यार्थियों को बुलाया गया था 41037, तो ये लगभग बैठता है 33 गुना। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1262 का गुणा मैंने 33 में किया है और 41646 विद्यार्थी होते हैं। उसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि चूंकि ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें टाइपिंग होता है और हो सकता है कि टाइपिंग में 6 गुना या 7 गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाए, यानी कि मुख्य परीक्षा में ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस तरीके से लगभग 2 गुना या 2.5 गुना विद्यार्थियों को आजकल बुलाया जा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले इसमें एक टर्म टाइपिंग का है जिसमें हिंदी और इंग्लिश की विद्यार्थियों की टाइपिंग होनी है, तो इस वजह से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे 1262 × 33 मैंने किया है, इसी प्रकार से 5512 × हम लोग 33 करके देखते हैं, तो 5512 × जब 33 कैलकुलेटर में करेंगे तो 181896 होता है, तो 2.25 लाख के आसपास, 2.25 लाख भी अगर हम लोग ना माने तो लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी तो कम से कम बुलाए ही जाएंगे, इससे कम विद्यार्थी इसमें नहीं बुलाए जाएंगे क्योंकि इसमें टाइपिंग भी है। और अन्य भर्तियों में भी हमने देखा मुख्य सेविका वगैरह की सारी विद्यार्थियों को, छात्राओं को बुला लिया गया है। तो जो पिछली वैकेंसी भी थी 1262 पदों पर जिसकी परीक्षा हो चुकी है उसमें अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं जनरल का 71, अनुसूचित जाति का 69 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 71, आर्थिक रूप से कमजोर। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो जनरल का 71 के आसपास किया था, उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 41,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, जब 41,000 और कहाँ 1.5 लाख, तो लगभग 3 गुना ज्यादा विद्यार्थियों को इस बार बुलाया जाएगा, माफ कीजिएगा 4 गुना, 3 गुना नहीं है 4 गुना होगा, 4×16 160,000 के आसपास विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो सीधी सी बात है कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी पीटी 2021 में उसमें लगभग 247,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था लेकिन उसमें टाइपिंग नहीं थी इसलिए सभी विद्यार्थियों ने उसमें आवेदन कर दिया था, इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा चली गई थी लेकिन लगभग 62.5 अंक गई थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो 62.5 के आसपास के जो विद्यार्थियों को बुलाया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी वो चढ़ जाएंगे जिनको टाइपिंग नहीं आती है। लेकिन मैं बता दूं कि जिन विद्यार्थियों को टाइपिंग नहीं आती है अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है तो वो टाइपिंग को अभी भी सुधार सकते हैं। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि यूपी ट्रिपल एससी की सारी वैकेंसियों की जो गति है वो बहुत धीमी है और इस वजह से इन विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। अभी तो आवेदन हो रहे हैं, इस साल इन विद्यार्थियों की परीक्षा होनी नहीं है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा इस साल नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी पहले से ही 4 परीक्षाएं और हैं जिनके विज्ञापन इसके पहले निकल चुके हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, इंस्ट्रक्टर, बहुत सारी जो वैकेंसी, डेंटिस्ट की एक वैकेंसी आई थी, और इसलिए अगर अभी तो परीक्षा होगी नहीं, उसके बाद में जो आपकी लोगों की परीक्षा वो जनवरी या फरवरी के महीने में होनी है, ज़्यादा संभावना फरवरी की है, तो फरवरी के महीने में आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद में फिर इसका रिजल्ट आएगा आंसर की, रिवाइज आंसर की, फिर रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट के बाद में फिर टाइपिंग के लिए इन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। इसलिए लगभग मैंने बताया था आप लोगों की एक साल समझ लीजिए 8 महीने या 7-8 महीने या लगभग 1 साल विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा, और टाइपिंग के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए 6 महीने का जो टाइम है वो पर्याप्त होता है। पूरी डेडिकेशन के साथ में अगर आप लोग तैयारी करना आज से ही शुरू कर देंगे तो आप लोगों को मौका निश्चित तौर पर मिल जाएगा, टाइपिंग में आप लोग पास हो जाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि कट ऑफ की, तो जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग लगी हुई है इसकी वजह से कुछ विद्यार्थी तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से आवेदन ही नहीं करेंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ पीटी की हो सकती है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर वो 58 के आसपास, देख लीजिए फीमेल की कट ऑफ भी 58, देखिए इसमें जनरल की कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ आप लोगों ने अभी देखा, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया भी था कि जिसमें जनरल की, ओबीसी की और
फीमेल्स की जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर रहती है, और इसलिए जनरल की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ 58 के आसपास हो सकती है। ओबीसी की कट ऑफ भी बराबर ही रहेगी, चूंकि पदों के सापेक्ष 15 गुना या 20 गुना या 30 गुना या 33 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि हर कैटेगरी के 15 गुना विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए। आप देखेंगे भी एक आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई थी, तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी अगर 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, इसलिए ओबीसी की विद्यार्थियों को ज्यादा बुलाया जाता है। रिजर्वेशन पहले नहीं देते हैं, वो बाद में देते हैं, और यही कारण है कि कभी कभी 33 गुना और 30 गुना हो जाता है। तो ये कट ऑफ गिराने की वजह से भी इन विद्यार्थियों को जो कैटेगरी की विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा बुलाते हैं, ताकि जो कट ऑफ है वो इसको क्रॉस ना कर पाए, नहीं तो फिर हंगामा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ओबीसी की कट ऑफ 58 हो सकती है, एससी की कट ऑफ लगभग 55 हो सकती है, फीमेल की कट ऑफ जनरल फीमेल और ओबीसी की तीनों की 58 के आसपास हो सकती है, एससी की कट ऑफ लगभग 55 हो सकती है, 55 से भी कम हो सकती है थोड़ा बहुत, और एसटी की कट ऑफ 50 के आसपास हो सकती है। ये तो जिन विद्यार्थियों का इसके आसपास, देखिए ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये संभावनाओं पर आधारित है, कितने विद्यार्थी आवेदन करेंगे, कितने विद्यार्थी कितनों को टाइपिंग आती है या कितनों को टाइपिंग नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें अनिश्चितताओं पर है। यूपी ट्रिपल एससी के विवेक पर भी है कि यूपी ट्रिपल एससी कितने विद्यार्थियों को बुलाता है, बहुत सारे अलग अलग बदलाव हमको देखने को मिले हैं, ट्रेंड मिला है, कभी यूपी ट्रिपल एससी ने 22 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जैसे लोअर मेंस में बुलाया था, कभी 28 गुना विद्यार्थियों को बुलाया है, कभी 33 गुना विद्यार्थियों को बुलाया है, तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं, इस वजह से निश्चित नहीं है। और इसके आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो भी अपनी टाइपिंग और वो भी विद्यार्थी आवेदन करें और लिखित परीक्षा की भी तैयारी करें, तो इससे लगभग 2 नंबर आगे या क्वेश्चन 2 या 3 नंबर आगे या पीछे भी हो सकता है। कट ऑफ ऐसी जो आप 55 देख रहे हैं ना, तो ये 52 भी हो सकती है। इसी तरीके से जो ओबीसी की आप 58 देख सकते हैं तो ये भी 55 के आसपास हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का इस बीच में वैकेंसीज भी बहुत आई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज कंप्लीट भी हुई हैं, और हो सकता है कि ये जो बहुत सारी वैकेंसी कंप्लीट भी हो जाए और जो होने वाली है जिनके फाइनल परिणाम जारी होने हैं, तो ये इस तरीके से भी विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है, इसलिए हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मैं ये बताने वाला था कि पीईटी में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, टाइपिंग के लिए भी विद्यार्थियों को ज़्यादा मौका मिल सकता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया कि ऐसा नहीं है कि इसमें डीवी के तरीके से खाली 2.5 गुना या 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, अभी इसमें टाइपिंग है इसलिए हो सकता है, तो जानकारी निकल करके आ रही है कि 6 गुना या 8 गुना विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई भी कराया जाएगा। तो अभी जैसे 5500 के आसपास वैकेंसी, तो हो सकता है कि लगभग 40,000 या 50,000 विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाए, तो 40,000 50,000 भी बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि अब एकेडमिक का कोई रोल रहा नहीं है, अब लिखित परीक्षा के आधार पर यह भर्ती हो रही है, तो आप लोग लिखित परीक्षा की तैयारी करिए, टाइपिंग की तैयारी करिए, बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग में छटेंगे, उसके बाद में फिर डीवी होती है, तो कुल मिलाकर के ये विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा मौका है, और आप लोग शुरू हो जाइए। ये हो गया आज का वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।